चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इमरान नजीर अपनी फॉर्म वापस हासिल करते हुए 28 गेंदों में 23 रन स्कोर किए इमरान नजीर ने। और शान आज आपको टीवी स्टार के साथ भी खेलने का मौका मिला, उठा के खेले उमर से देख और गेंद मिड विकेट पोजीशन पे बाउंड्री लाइन की सम तक गामजन। चार रन का इजाफा तूफान के स्कोर में और चार रन का इजाफा उमर सिद्दीक के स्कोर में। काफी अच्छा उमर सिद्दीक ने खेला, मिड विकेट पे गैप नजर आ रहा था, पूरा कनेक्ट नहीं हुआ लेकिन। और 50 रन में मुकम्मल हुए, 43 बॉल्स का सामना किया इस चौके की बदौलत। बहुत ही अच्छा शॉट और इस बार पहले शॉट से ज्यादा बेहतर कनेक्शन लगी है और इसलिए आपने देखा कि रिजल्ट भी उमर सिद्दीक को डिफरेंट मिला है। पहला छक्का इस मैच का उमर सिद्दीक की जानिब से शॉर्ट बॉल की थी और इस शॉर्ट बॉल को पूरे तरीके से इस्तेमाल किया उमर सिद्दीक ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। मुझे लगता है इनको आपकी नजर लग गई है। अच्छा स्ट्रोक शॉर्ट बॉल थी और उसको 6 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए। तो जवाब हम लोग उसका देते हैं, यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया जाता हमसे। यहाँ पे हसन नियाज़ी पूरी तरह से कोशिश करते हुए और एक और उम्दा स्ट्रोक इस मौके पर और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब रोकने में कामयाब हुए सोहेब मकसूद। वाकई आपने इनको नजर लगा दी है जब से आपने इनकी बॉलिंग की तारीफ। खेलने में कामयाब हुए और गेंद को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब रोकने में कामयाब हुए सोहेब एक फुटबॉलर के से अंदाज में। एक और शॉर्ट बॉल और उसको उम्दगी के साथ ट्रीट किया उमर सिद्दीक ने। तो दानिश नईम अब्बासी भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। दानिश ओवर खत्म नहीं हो रहा, ओवर खत्म नहीं हो रहा और मैं बता रहा हूँ आप शान बैटिंग करने के लिए गए थे तो आपकी जो डोमेस्टिक की फॉर्म थी उसकी भी अली ने काफी तारीफ की थी इसलिए आप आउट हुए थे। अली भाई मुझे लग रहा है सबको नजर लगाते रह रहे तो अब हमें आउट का रीजन पता हैं। क्लब क्रिकेटर्स हैं ये आके अपने स्टार्स और अपने सेलिब्रिटीज के साथ मैच खेलेंगे तो इसमें इनका क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ेगा और आगे इनका क्रिकेट परसू करने का भी इंटरेस्ट काफी बढ़ेगा। तो बहुत क्रिकेटर्स निकले अगर आप रीसेंट उसमें देखें एकदम से इस बार आउट और हसन नियाज़ी ने आउट होने के बाद पवेलियन की तरफ इशारा दिखाया क्योंकि इनको बहुत तो बिल्कुल खुश नहीं है जिस तरीके से उनसे बॉलिंग हुई है तो आई थिंक फील्ड जेस्चर से उन्होंने दिखाया है कि वो कितने नाराज हैं इस पर। जिन्होंने काफी ज्यादा पिटाई की थी यहाँ पे हसन नियाज़ी की तो उस बार उन्होंने कहा आप जाएं मैंने आपको कैश ले लिया आउट नहीं कर सका इन मैंने कैश लिया और ये देखें फौरन इशारा किया कि आप जल्दी जाएं पवेलियन में। तो उमर सिद्दीक 32 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस मौजूद थे और बिलाखिर यहाँ पर 2 रन जो है वो अब भाग कर मुकम्मल किए इमरान नजीर ने। तो उमर आपका फर्स्ट आप इसका मतलब आपका बड़ा अच्छा लाइक जिस तरह ऑर्गेनाइज किया था इसको और क्राउड देख के मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मैच में भी इतना क्राउड नहीं आया होगा जी। और हसन नियाज़ी इन्होंने दूसरा कैच लिया है बिलाखिर और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि सरप्राइजिंगली इतना क्राउड आया एक और कैच वो आपकी बात कंप्लीट नहीं होती लेकिन यहाँ पे जो जब से आप आए विकेट जो है हम क्राउड की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये आप इससे अंदाजा लगा कि कितने स्पोर्ट्स लवर है हमारे लोग और कितने क्रिकेट को चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा ये जिस तरह ऑर्गेनाइज किया मैच को क्रेडिट जाता है ऑर्गेनाइजर को और मुल्तान सुल्तान को और जितना ज्यादा क्राउड होता है बीइंग लाइक अ प्रोफेशनल क्रिकेट बीइंग अ क्रिकेट बड़ा अच्छा माहौल बनाया इसमें। सोहेब मकसूद अपनी बॉलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं आखिरी 2 गेंदें करेंगे अपने इस लास्ट ओवर की जो इनिंग का भी इनफैक्ट लास्ट ओवर होगा और इस बार बोल कर दिया है सो खतरनाक अंदाज से खेलना चाहते थे और आउट हुए और उस तरह से एक और विकेट जो है वो गिरी है तो 5वां नुकसान। मैं आप एग्री करता हूँ कि मैच जो भी हो लेकिन हम अगर पोजीशन में भी कोई अच्छा बॉलर हो तो उसको दाद देते और हमेशा उसको लाइक इनकरेज करते कि यार वहाँ पर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो। जी हाँ तो आखिरी अब जो बॉल है एक्सपीरियंस को तो यह है एडवांटेज
جی ہاں, سو سہیب مقصود جنہوں نے اپنی ہیٹرک جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کی تھی, اور ساتھ ساتھ جس طرح سے عمر بھی بات کر رہے تھے کہ عمر گل کا آنا اس لیے اچھا ثابت نہیں ہو, ان کی ٹیم کی وکٹیں گرتی رہیں, لیکن بہرحال سہیب مقصود نے جو ہے یہاں پہ ہیٹرک بھی مکمل کی, 10 اوور میں 73 رنز بنائے طوفان 11 نے 6 وکٹ نقصان پر, تو 74 رنز کا جو ٹارگٹ ہے وہ عمر اب آپ لوگوں نے دیا ہے. جی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بولر ہمارے پاس اچھے آباز ہے, باقی کاشف بٹی وغیرہ اور ایکسپیرینس لڑکے, لیکن آئی ہوپ کہ اس اسکور کو ریسٹیک کریں گے, اور اگر بیچ میں تھوڑا سا میچ پاس گیا تو میں واپس ٹرائی کروں گا کمنٹری باکس میں پھر آ جاؤں.